ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें दो युवकों की जान चली गई और इस समय मौके पर ही मौजूद हैं। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे, यहां पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ में आपको बता दें, दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है पांचवें फ्लोर के ऊपर जो छठा फ्लोर है वहां से ग्रिल टूटकर गिरी थी और उस दौरान यह हादसा हुआ जिसमें दो युवकों की जान चली गई और दोनों युवक जो यहाँ सामने एस्केलेटर्स हैं वहां से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान ये घटना हुई। घटना में दोनों की मौत हो गई और आप देखेंगे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीचे कुछ लोग होते तो ये हादसा बड़ा रूप ले सकता था, लिहाजा यहाँ मॉल में अंदर भी नुकसान हुआ है। साथ ही आप दो युवकों की जान भी चली गई और हमारे साथ एडिशनल DCP है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आखिर ये घटना क्या थी और कैसे आप लोग को जानकारी लगी? पुलिस को PRV और यथार्थ हॉस्पिटल के माध्यम से थाना बिश्रक को सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्लू सफायर मॉल में दो चोट लगने से जो ग्रिल गिरी, जैसा कि आप देख रहे हैं पांचवी मंजिल के ऊपर से लोहे की ग्रिल है, उस ग्रिल के गिरने से दो व्यक्तियों के गंभीर चोट लगी और जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। सर, ये दोनों कौन थे, कहाँ काम करते थे? इनके बारे में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, दोनों मृतक को नाम, एक का नाम हरेंद्र है, दूसरे का नाम शकील है। ये मूलतः विजयनगर जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इन लोगों के बारे में डिटेल प्राप्त की जा रही है। इनके परिजनों से संपर्क करके जो भी ये तहरीर देंगे तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जाहिर तौर पर देखिए ये तस्वीरें हैं मौके की और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में दो युवकों की जान चली गई है। फिलहाल जो सामने एस्केलेटर्स देख पा रहे होंगे, इसी एस्केलेटर्स की मदद से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान आपसे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ऊपर बिल्कुल टॉप फ्लोर पर जो छठा फ्लोर है लगभग वहां से वो ग्रिल गिरी थी टूटकर और टूट के जब वो नीचे गिरी, इस दौरान इन युवकों के ऊपर गिरी और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा FSL की टीम और तमाम साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो भी तहरीर परिवार की तरफ से दी जाएगी उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ मानशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा।